Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. Is right here, Mr. Ravi Kapoor. Thank you, Mr. Ravi Kapoor. Kaash, har sapna dekhne wale ko
आप जैसा जादूगर मिले। Excuse me. Hi, Tara. बात करना चाहोगे कि रहने दे? बात करते हैं। Congratulations. Thanks, sweetheart. पार्टी कैसी थी? Oh, fabulous. और शीना? She's a star. तो ख्याल क्या है? ख्याल तो नेक है। आज मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। और वो मान जाएगी? Of course, she's mine. रवि कहीं सपना दिखाने वाला खुद सपना तो नहीं देख रहा? This time it's all taken care of. अच्छा, शीना मेरे तरफ आ रही है। आज उसका हाथ थामकर उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाई दूंगा और 5 मिनट में तुम्हें गुड न्यूज़ दूंगा। मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय। रवि। शीना। थैंक्स अगेन। हे, थैंक्स फॉर व्हाट? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शीना, मैं तुमसे कुछ कहना। पहले मैं कहूंगी। हाँ, पहले मुझे अपना हाथ दो। हाथ क्या, मैं तो सारी की सारी तुम्हारी हूँ। रवि, इस एक शाम ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए हैं। पूरा लंदन झूम रहा है मेरी आवाज पर। मिस्टर भिंड्रा दीवाने हो गए हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है टू सिंग एक्सक्लूसिवली फॉर भिंड्रा रिकॉर्ड्स। साइन कर लूं रवि? I knew you wouldn't say no. फिर कब मिलोगे रवि? परसों तक मुझे अपने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दोगे ना रवि? थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यू सच अ स्वीट हार्ट। Bloody Pendra. बात करना चाहोगे कि रहने दें? रहने देते हैं। यू नो रवि, तुम्हारी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। क्या? तुम्हें एक अच्छी लड़की की तलाश है, एक ऐसी लड़की जो तुमसे प्यार करे, नॉट रवि कपूर द एमडी ऑफ अ म्यूजिक कंपनी। और तुम्हें क्या मिलती है? शीना, निकी, एना। एना नहीं यार, अनु। व्हाटएवर, कुछ फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ेगा जब वो मिलेगी, हर बात से हर लम्हा। हे तारा, कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। यू विश। व्हाई नॉट, तुम्हारी बकबक सुनने की इतनी आदत हो चुकी है। तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाने वाली? और देखने को जाओ तो यू क्वाइट अ गलेबल फूल। कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा भी ना, उल्लू बनाकर चले जाएगा वो। यू नो समथिंग, यू एंड आई आर बोथ बिग लूजर्स। वी आर ओके। ए, सीरियसली स्पीकिंग, क्या तुम किसी भी ऐसे कपल को जानते हो दैट्स हैप्पीली मैरिड?
लंदन में नो चांस। ए लेकिन इंडिया में गीतू और सोम है ना, कॉलेज की सारी लड़कियां इस सोम के पीछे और सोम गीतू के पीछे। कॉलेज खत्म करते ही दोनों ने शादी कर ली थी इमीडिएटली। आई एम श्योर ही इज रियली हैप्पी। टाइम सेट कर लो पापा जी, लंदन में टाइम क्या हुआ है? मैं क्या पाजी, 12 बजे हैं। परफेक्ट। हेलो हेलो गीतू, लड्डू बस्टर टीजर सनी बंटी छत्ती आओ, मेरे लड्डू का फोन है। हाँ मैं पहुंच गया। हाँ हाँ अभी टैक्सी में होटल जा रहा हूँ। बताओ ना लंदन कैसा था? बहुत सुंदर है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गोरे गोरे लोग, मजा आ गया गीतू, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। अरे ये जगह तो इतनी साफ है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है सड़कों पे। शायद इसीलिए हम हिंदुस्तानी यहाँ कर अपने देश की मिट्टी को मिस करते हैं। अच्छा सुना है वहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश ठीक ठाक से बोल लेते हैं। इंग्लिश? अरे गीतू इंग्लैंड है, यहाँ का तो भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है। £1 प्लीज। लड्डू मेरे अंकल से। हाँ हाँ तुम्हारे वर्मा अंकल को फोन कर लूंगा। उस प्रोफेसर से मिलकर बोर थोड़ी ना होना है। क्या कहा? हाँ नहीं नहीं मैं कह रहा था बस काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। बस वो थॉमसन वालों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए फिर एक और बॉल बेने का कारखाना खोल लूंगा। और नई गाड़ी? हाँ हाँ मारुति एसटीम बेच देंगे, होंडा सिटी ले लेंगे। बंटी और सनी को मेरा प्यार देना। क्यों? मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बस्टर टीजर को कुछ नहीं भूल गए? अरे नहीं नहीं उन दोनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो तो तुम्हारे मम्मी डैडी ने मुझे दिए थे ना दहेज में। मेरे लड्डू? हाँ हाँ रवि को मिलकर तुम्हारे दिए लड्डू दे दूंगा उसे। ओके अच्छा रखता हूँ। ऐसे कैसे फोन रखोगे, परदेश जाकर परदेसी हो गए? भूल गए फोन रखने से पहले अपनी टॉफी को क्या कहते हो? नहीं नहीं मैं भूला नहीं। वो देख रहा है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी कानूनन बीवी हूँ, योर वाइफ इन लॉ। आई लव यू टॉफी। अच्छा तुम बोलो। मैं कैसे बोलूं? मेरे कुछ संस्कार वंस्कार है कि नहीं? लेकिन अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा बोलती हूँ। सनी बंटी आंखें बंद करो। बस टीजर तुम भी आंखें बंद करो। आई लव यू लड्डू। अच्छा सुनो ये बातें तो हो गई, खूब मस्ती हो गई, अब ना मेरी बात सुनो तुम ठीक से। पर दार तुमने किसी गोरी शोरी पर डोरे मारे तो अच्छा। देख लेना फिर। अच्छा बाय बाय बाय। हाँ जी फर्स्ट टाइम इन लंदन पाजी? जी फर्स्ट टाइम विदाउट पापी जी। हाँ जी पाजी बुरा तो नहीं मनोगे, एक थिंग तुहानू पूछनी सी। पूछो। पाजी बिजनेस ट्रिप या प्लेजर? दोनों ही समझ लो। अच्छा आलो बिजनेस कार्ड? पाजी ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड? एदे उते जड़ा नंबर लिखया है। हाँ। उठान वाली जड़ी लड़की मिलूगी वो ग्रीन सिग्नल देख के ही बैठी रहूगी। हाँ तुहाडे वास्ते, बड़े प्लेजर वास्ते पाजी, प्लेजर वास्ते। लड्डू की होया? कुछ नहीं न्यू इन होटल। Good morning, Mr. Datta. Hello, sir. Som Datta. How are you? Datta ball bearing, sir. Please sit down. Thank you. We've read the quotations you sent, and samples are very high quality. Oh, thank you, sir. Thank you. This is sample to aapka bhi high quality ka hai. I think we have the deal. Huh? You just sign on the dotted line. Oh, yes, sir. Sure, sir. I think we have enough time. India se yehi to karne aaya tha. Left for the next meeting, huh? Yeah, okay. Sign, sir.
Bye, Mr. Dara. Have a nice trip home. Is that all, sir? Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Congratulations, sir. Thank you. Thank you. You look sad. Huh? No, it just happened so fast. Oh, okay. नौ दिन का काम नौ मिनट में खत्म हो गया उतने भी नहीं लगे सोम तूने तो कमाल कर दिया शीना अब हमारे साथ नहीं है वी क्रिएटेड रिकॉर्ड सेल्स लेकिन आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट वी कांट डू बेटर देन शीना If we can create a Sheena, we can create an even better singer. मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है that you won't let me down. Use any means. किसी भी तरीके से मुझे एक नई आवाज चाहिए लंदन का हर कोना देख लो कोई भी लड़की गाती हो अपने सपनों में ही सही Get her. And we'll make her. Throw this out. Hello. Hello, Ravi. Who? Som बोल रहा हूँ. Som? हाँ. अरे हाँ यार रवि बोल रहा हूँ. कहाँ है तू? अरे यही लंदन में. लंदन? हाँ. लंदन में कहाँ? अरे यही बॉन्ड स्ट्रीट पर हूँ. Okay okay. तू वहीं ठहर मैं आता हूँ. Department store के बाहर मिलते हैं. Okay okay मैं वेट करूँगा. जल्दी आ जल्दी. Bye. That's cool. अबे व्यू खराब कर दिया अबे हटना यार ए ए रवि सात साल हो गए शादी को लेकिन तू नहीं बदला लेकिन तू तो बदल गया रे मैन कैसा है सॉरी तेरी जैकेट क्रश कर दी सॉरी कहाँ ठहरा है तू मैं यार ये यही इन में कौन से इन में हॉलिडे इन में ठहरा हूँ हॉलिडे इन में हाँ मेरे शहर में आया तू होटल में रहेगा You have to stay in my house. Come on, let's go. And how could you even think of going anywhere else? Come on. Come on, buddy. Are you going to be standing there all day? Hey. अरे अरे यार रवि क्या कमाल की गाड़ी ली है यार तूने? अरे बाप रे. अरे यार आजा. Fantastic यार. अरे यार एयर होस्टेस से पूछा सर, what will you eat? I said dogs eat food. Bring me scotch. और क्या तू नहीं बदला लेकिन तू बदल गया कहां से कहां पहुंच गया कैसे किया तूने मेरी बात छोड़ तू अपने बारे में बता बहुत साल बाद घर से निकला होगा तू नहीं हर महीने मैं बस एक दो ट्रिप तो यूरोप के मार ही लेता हूँ लेकिन तूने क्या चक्कर चलाया बताना तू काम क्या करता है कारखाना फैक्ट्री आई मीन फैक्ट्रीज हैं बॉल बेरिंग्स बनाता हूँ बॉल बेरिंग्स किसके लिए साइकिल्स के लिए साइकिल्स आई मीन हवाई जहाज़ों के लिए सब लोग इंदौर में मुझे से बॉल बेरिंग्स लेते हैं बॉल बेरिंग किंग हूँ लेकिन अभी एक बात है जिंदगी में आदमी कितना भी कमा ले क्या फ़ायदा वैसे रवि जिंदगी में आदमी को दो वक्त की रोटी गुड अच्छी फैमिली वाओ और क्या चाहिए आदमी को है ना मैं तो कहता हूँ मनी कांट बाय हैप्पीनेस क्या हुआ होटल हॉलिडे इन हाँ हाँ गुड होटल है गुड होटल सामान नहीं लाना क्या ओ हाँ सामान बिजनेस और घर की बातों में इतना खो गया था कि भूल ही गया इससे पता चलता है तू अपने फैमिली को खुश रखने के लिए कितना काम करता है हाँ अच्छा मैं यूं गया और यूं आया जल्दी जा कितना खुश है ये शादी करके
Sorry, Ravi. इतना time. What took you so long, buddy? वो सुबह laundry में कपड़े दे दिए थे. Laundry? ये checking out में भी कितना time लगाते हैं hotel वाले. Porter ले लेता यार. Hey, exercise की आदत है मुझे. That's not a bad habit. You're forgiven. And this is my house. Can I help you? अरे नहीं यार नहीं अरे देना अरे एक्सरसाइज की आदत है मुझे यार अरे चल यू ओके चल ओके बढ़िया कम राइट इन थैंक यू समझ गए तेरे लिए खास चीज लाया हूँ ये ले ये तूने भेजे हैं लड्डू तेरे लिए लड्डू के हाथों लड्डू चुप है वाह 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 यम खाले खाले स्वाद है ना तू व्हाट अ परफेक्ट फैमिली फोटोग्राफ यार यू आर सच अ लकी मैन गीतू कैसी है तंदुरुस्त है पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई है हे डोंट बी मीन तुझे पाकर कितनी खुश होगी वो हाँ वो तो बहुत खुश है चल तेरा घर देखते हैं चल अरे वाह वाह रवि कमाल का घर है यार शाबाश मजा आ गया घर तो शानदार ले लिया अब घर वाली कब ला रहा है मेरे बारे में छोड़ गीतू और बच्चों के बारे में पता यहाँ बैठ आ जा क्या सोच क्या रहा है बस यही सोच रहा था कि समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं गीतू से स्टार्ट कर गीतू को पाकर लगा मेरी जिंदगी पूरी हो गई मतलब मतलब जिंदगी की तलाश पूरी हो गई रवि गीतू को पाकर सचमुच मैंने सब कुछ पा लिया अरे वो कमाल की औरत है यार एक आदर्श पत्नी की तरह सुबह सुबह गरम चाय की प्याली के साथ मुझे जगाती है फिर नहाने से पहले मेरा तौलिया बाथरूम में रखती है उसके बाद गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता नमकीन नाश्ते के साथ सनी और बंटी की मीठी मीठी बातें बस्टर और टीजर जो मेरे दो कुत्ते हैं उनकी प्यारी प्यारी हरकतें और फिर गीतू मुझे दरवाजे तक छोड़ने भी आती है और हर चीज के बारे में मुझे याद दिलाती है ए सुनो जी अपनी ऑफिस की फाइल्स बटवा ऐनक घड़ी पेन और अपना मोबाइल ले जाना नहीं भूलना मेरे लड्डू ताकि मैं तुम्हें एसएमएस कर सकूं बहुत प्यार करती है यार वो मुझे और तुझे क्या बताऊं गीतू के बारे में यार रियली लकी यार या इस सालों बाद देखने को मिल रहा है अपनी कंट्री में मिले तो फ्रस्ट्रेशन ही दूर हो जाए या क्रिस हाउ मेनी गर्ल्स 30 या गुड आई विल बी देयर या बी प्रिपेयर्ड ओके बाय सोम एंजल हाउडी स्वीटी यस डॉल ऑफ कोर्स आई विल बी देयर यू कैरी योर स्टफ विद यू ऑलराइट ओके ओके किस किस ओके बाय अच्छा सुन हाँ कैरल या ओह या लेट यू नो यस स्वीटी ओके राइट नाउ ओके स्वीटी वन सेकंड या जस्ट होल्ड ऑन क्या किस्मत है एक ही साथ तीन तीन लड़कियों के फोन यहाँ तो 7 साल में एक भी नहीं आया ओके योर हाइनेस यस डॉल बिग हग ओके बाय अच्छा सुन फ्रिज में खाना पड़ा है माइक्रोवेव में गरम कर लेना ओके दिन का काम चला लेना ठीक है और शाम को मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट पर ओके ओके और सुन अगर तू बोर हो रहा है तो ऑफिस आ जाना वहाँ ऑडिशंस चल रहे हैं वैसे भी तू अच्छा गायक है मुझे याद है कॉलेज की लड़कियों को सुर सिखाने के बहाने उनके दिल का सुर बिगाड़ देता था तू रहने दे मैं अपने गीतों से बहुत खुश हूँ तू जा तेरे दिन ऐश कर वो तो है तू तो बहुत खुश है तुझे क्या जरूरत
ओके बाय। मुझे तो जरूरत है। ऑडिशन का मजा ही आ गया यार। वाओ। सो हाय, थैंक्स रवि। थैंक यू वेलकम। इसके बाद हम लोग यू हैव टू डू दिस फॉर मी। आई विल ट्राई। थैंक यू बाय। थैंक यू। अच्छा सो सुन डार्लिंग, प्रॉमिस मी दैट यू विल सेलेक्ट मी। I'll try. No trying. Promise me. You keep your promise and I'll keep mine. Hi. Bye. So, मैं तुझसे बात करना चाह रहा हूँ। ये लड़की आ रही है, अब जा रही है। I don't like it. I like it, यार। I mean, तेरा स्टाइल, तेरी पावर, तेरी लाइफ यार रवि, कमाल है यार। इनमें से सिलेक्ट किसको किया? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं, क्यों? They are not good for film music company. अपनी कंपनी के लिए तो अच्छे हैं यार। Let's go. प्रोग्राम क्या है? मेरी फेवरेट जगह। चलो, come on. Let's go.
इस जगह का नाम बड़ा अजीब है यार, रैट एंड पैरट। I'm sure यहाँ पे तितलियाँ जरूर आती होंगी। सुधर जा सोम। वैसे यहाँ का क्राउड है कैसा? यहाँ कुछ खास क्राउड नहीं है। तो फिर खाना ही ऑर्डर करते हैं। तूने बताया नहीं ये तीसरा ग्लास है किसके लिए? We are waiting for someone. हाँ, someone special, right? Very special. मैं फोन करता हूँ। Hi. I'm gonna call you later, yeah. Oi, Tara. Hi. How are you, How sweetie? How are you? ये है Tara और ये. और ये Som. I know. दूर से देखा तो समझ गई. The compulsive flirt. Just joking. Sit down. वैसे रवि ने तुम्हें जैसे describe किया, तुम उससे अच्छे लगते हो. Thank you. And you? Hmm? What is your problem? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सिर्फ SMS किया? काश मेरे पास नंबर होता, मैं जरूर SMS करता। और अभी तेरी बात ही कुछ और है यार। You have no idea. You're really lucky. You're a real lucky man. Hey Som, बोर हो रहे क्या? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा, I'll call for some food. नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक गैलरी ओनर के साथ मीटिंग है, but I do have time for a glass of wine. I know. That's it. Okay. Thank you. Cheers. Smoke? No thanks. ठीक है, आप वाइन पीजिए, मैं सिगरेट पीता हूँ। वाइन इज फाइन, लेकिन सिगरेट जिंदगी में थोड़ी बहुत ऐश तो कर ही सकते हैं। जो लोग ऐश करते हैं वो ऐश बन जाते हैं। Bravo, I'm with her on that one. जो लोग स्मोक ना करते हो वो इस ऐश के बारे में क्या जाने? You know, सिगरेट्स और जिंदगी में काफी सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे कि सिगरेट की इस आग को ही देख लो। लोग हर कष्ट के साथ इस आग को अपने करीब खींचने की कोशिश करते हैं। आग जितनी आगे बढ़ती है सिगरेट उतनी घटती है। और जिंदगी जितनी बढ़ती है उतनी घटती है, जितनी बढ़ती है उतनी घटती है, और ऐसे ही जिंदगी कटती है। टू जिंदगी। वाह, आपने तो दो लाइनों में जिंदगी की फिलॉसफी कह डाली। ऑब्वियसली दैट्स माय तारा। और तुम तो जानते ही हो, अकेले स्मोक करने में उतना मजा नहीं आता जितना कि बांट के पीने में आता है। उसी तरह जिंदगी अकेले काटने में नो फन, कोई ना कोई साथी होना चाहिए। व्हाट से साथी? जो तुम्हारी समझ में आए और जिसे तुम समझ सको, वो साथी। और उस साथी के साथ जितने पल गुजार लिए, दैट्स लाइफ। कमाल है। करो। ओके, बाय। यू, आई एम गोना सी सून। बाय। जो तुम्हारी समझ में आए और जिसे तुम समझ सको, वो साथी। उस साथी के साथ जितने पल गुजार लिए, दैट्स लाइफ। सही कहा उसने, अकेले होने का कोई फायदा नहीं, साथी होना जरूरी है। तारा का हस्बैंड क्या करता है? गेट रियल सोम, शी इज नॉट मैरिड, अकेले रहती है वो। हाँ, और तू और तारा? Are you insane? She's a buddy यार, we are good friends. पक्का? God. हाँ, very good. Good friends. जो लोग ऐश करते हैं वो ऐश बन जाते हैं। गुड नाइट। और उस साथी के साथ जितने पल गुजार लिए, दैट्स लाइफ। एंड यू, आई एम गोना सी यू रियल सून। हेलो लड्डू। गीतू? हाँ गीतू।
लकी मैन, पास हो तो प्यार करते हैं, दूर हो तो प्यार की बातें। गीतू, तुम अभी तक सोई नहीं? पागल हो गए हो क्या? ये सोने का टाइम है कि जागने का टाइम है? ओ हाँ सच्ची, वहाँ लंदन में तो रात के 2 बजे हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो स्कूल में बच्चों को भेजने का टाइम हो गया है। पता ही क्या, वो दूध वाला भी नहीं आया। दूध वाला? गीतू मैं लंदन में हूँ। लंदन में हो तो क्या जिम्मेदारियाँ भूल जाओगे? पता है 4 दिन से बाई भी नहीं आई है। बाई नहीं आई? गीतू देखो, लिफ्ट वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, सोसाइटी के बिल्स, मैं वापस आके सब कुछ सब सॉल्व कर दूंगा। तो आपकी सवारी पधारेगी कब यहाँ पर? बोले तो मैं पंडित बुला लेती हूँ, मुहूर्त शुरू निकाल देंगे। क्या? नहीं मैं आने ही वाला था, वो। चुप, मुंह ना लगो मेरे, नो आर्ग्यूमेंट। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा गीतू। गीतू मेरी बात सुनो। देखो तुम तो रवि से मिलने वाले थे, मेरे लड्डू शड्डू भी आप ही खा लिए होंगे, पक्की बात है। नहीं रवि के यहाँ ही रुका हूँ। लड्डू तुमने वाइन पी है? नहीं वाइन नहीं पी गीतू, वो अभी अभी डिनर पे रवि ने तारा से मिलवाया। तो तारा? तारा एसोसिएट्स के किसी एग्जीक्यूटिव से मिलवाया था। तो बताया क्यों नहीं? हाँ बताया क्यों नहीं? वो दूर गए हो ना तो तुम्हारे तेवर बिल्कुल बदल गए, मैं देख रही हूँ सब। तुम्हें लगा ठीक है गीतू की अब क्या परवाह करनी? गीतू गीतू मैं फोन करने, गीतू सब पता है मुझे, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना, तो गीतू को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई एम केयर फ्री। अरे गीतू लिसन टू मी, आई एम केयरलेस। तू मेरी बात। नो नो आई डोंट केयर जी, आई डोंट केयर। हेलो हेलो, यू डोंट केयर एंड इवन आई डोंट केयर। बहुत मिलेंगे केयर करने वाले। क्या बात है, सोया नहीं अभी तक? किस्मत वाले ही सोते हैं यार, जस्ट लाइक यू लड्डू। गीतू के फोन ने जगा दिया ना? आई नो। पता है मुझे लाइफ में सिर्फ 2 लोगों ने इंप्रेस किया है, एक तारा और दूसरा, और दूसरे तुम। मैं क्या बात कर रहा, आज तक तुम्हें देखकर मैं सिर्फ सोचा करता था, लेकिन आज वही बात तारा ने कहकर मेरे सोच पर सिक्का मार दिया। मैं कुछ समझा नहीं। अकेले जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी जिंदगी चाहिए। या मुझे तुम्हारी जिंदगी जीनी है, एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। आई आइडलाइज यू, यू आर माई आइडल। क्या बताऊं इसे, शादी करके बेवकूफ बन गया या बेवकूफ था इसलिए शादी की, इंप्रेशन का सवाल है। तू मन ही मन में गीतों के बारे में बात कर रहा है ना? आई नो दैट, बीवी चीज ही ऐसी होती है। आई कैन इमेजिन, एक हिंदुस्तानी बीवी की तरह वो रोज तुम्हारी सेवा करती होगी। संभाल के लाना, क्या तोड़ दिया। रोज सुबह तुम्हारे लिए चाय बनाया करती होगी। और पापा 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 करके सनी और बंटी तुम्हें कितना प्यार करते होंगे। और वो दहेज में आए हुए बस्टर और टीजर, वो भी रोज तुम्हारे साथ खेला करते होंगे। बोलना, यू मस्ट बी रियली हैप्पी। बोलना यार, हैप्पीली मैरिड लाइफ विद योर वाइफ। कितना खुश होगा तू जब भी दूर रहता होगा तू, तो वो फोन करके प्यारी प्यारी बातें कर कर प्यार बांटती होगी। So sweet, है ना? बोलना यार, तू बोलता नहीं है यार, बोलना यार, बोल। अरे बस कर यार, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। Why not? I just तेरी तरह wannabe
हैप्पीली मैरिड. हैप्पीली मैरिड. आदमी या तो सिर्फ हैप्पी हो सकता है या मैरिड. दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती. इम्पॉसिबल. नहीं 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 नहीं. गीतू के साथ नहीं. शी स्वीट. सुनना चाहता है अपनी गीतू के बारे में? वो जो सुबह की चाय होती है ना, वो मैं बनाता हूँ. मेम साहब 12 बजे तक खरांटे लेती हैं. और वो जो दो है ना, सनी और बंटी, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि पापा पापा कह के एक दिन मेरा गला दबा देंगे वो. और वो जो दहेज में दो कुत्ते जो आए ना, बस्टर और टीजर, उनको तो जी करता मैं, मेरा मेरा जीना हराम किया हुआ उन दोनों ने. और गीतू प्यार बांटने के लिए फ़ोन नहीं करती, मुझे डांटने के लिए फ़ोन करती है. समझा? बात करता है. You're joking. Joking. I know you're joking. तू झूठ बोल रहा है. तू झूठ बोल रहा है. झूठ बोल रहा हूँ. शादी का लड्डू खुद खा के तू खुश है? मुझे उस खुशी से दूर रखना चाहता है. हाँ, क्यों नहीं. I know you. लेकिन मैं शादी करूँगा. मैं शादी करूँगा. सुखी रहना चाहता है तो तू शादी नहीं करेगा. करूँगा. नहीं करेगा. करूंगा. तू शादी नहीं करेगा. करूंगा. 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 क्या हो गया? सोच लिया है, सोच लिया है यार, एक बीवी हो अच्छी सी हो, करती हो मुझसे प्यार. सोच लिया है यार. तू क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या जानेगा तू. अरे अरे अरे, ये तुझे क्या हो गया? अरे तू क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या जानेगा तू. तड़प तड़प कर याद करेगा, मुझको मानेगा तू. मत कर मत कर मत कर, ये शादी वादी मत कर. अरे मत पड़ मत पड़ मत पड़, तू इस चक्कर में मत पड़. अरे मुझसे पूछ, मुझको है पता के बीवी का बेलन. बेलन? दुश्मन की तलवार है, हर बात में रोक टोक, कलेजे पे वार है. हाय हाय. मार पड़ेगी, खा लूंगा. अरे गाली पड़ेगी, सह लूंगा. क्या क्या करेगा साले, मरेगा. बीवी की आंखों में आंखें मिलाकर मैं कह दूंगा कि सोच लिया है, सोच लिया है यार, एक तुम ही हो, बस तुम ही हो, जिससे है मुझको प्यार. सोच लिया है यार. बात पते की बोल रहा हूँ, बात मेरी सुन ले. लो फिर शुरू हो गया. अरे बात पते की बोल रहा हूँ, बात मेरी सुन ले. खुद खुशी का और तरीका यार मेरे चुन ले. बस खर्चे खर्चे खर्चे, खर्चों के होंगे चर्चे. तुझ पे राज करेंगे तेरी बीवी तेरे बच्चे. मुझसे पूछ, मुझको है पता के बीवी का कंगन. तंग 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 तंग. पीठ पे पहाड़ है. ए, कुछ भी यार. खाली है बैंक अकाउंट. तिजोरी बेकार है. अच्छा. शॉपिंग करेगी, भर दूंगा. अरे जेबे मैं खाली कर दूंगा. अरे जितना भरेगा कम ही पड़ेगा. बीवी के कदमों में पैसों की बारिश मैं कर दूंगा. कि सोच लिया है, सोच लिया है यार, जो वो मांगेगी, जो भी चाहेगी, सर आंखों पे सरकार. सोच लिया है. मरेगा. करनी है, करनी है शादी, करनी है, करनी मुझे. तेरा क्या लेना क्या देना, प्रॉब्लम ही क्या है तुझे. अरे तूने तो कर ली है शादी, मुझको भी कर लेने दे. मुझे पूछ मेरे दिल में क्या, कि बीवी के नखरे मुझे स्वीकार है. अरे चेहरे पे गुस्सा हो, पर दिल में तो प्यार है. मार पड़ेगी, खालेगा, गाली पड़ेगी, सहलूगा, सब कुछ करेगा, तू तो मरेगा. बीवी की आंखों में आगे मिलाकर मैं कह दूंगा कि सोच लिया है, सोच लिया है यार, तेरी मर्जी है, मेरी अर्जी है, जा हो जा तू तैयार. सोच लिया है यार. करेक्ट. अकेले बैठे क्या सोच रहा है शादी के बारे में? वैसे हर आदमी को एक बार शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर शादीशुदा आदमी सीधा स्वर्ग में जाता है. कैसे? क्योंकि नर्क से तो वो गुजर चुका होता है. वेरी फनी सॉन्ग.
तू नहीं मानेगा, तू शादी करके रहेगा। हाँ यस। उसके लिए कोई लड़की देखी है? यस। yes. तो फिर इंतजार किस बात का है? यस yes. का लड़की के यस yes का यार? यस yes या नो के लिए पूछना जरूरी होता है। वही करने जा रहा था मैं। वाई यू वेटिंग? चल फोन करवा, फोन करवा, चल ना फोन कर। शीना को फोन कर रहा हूं। हेलो शीना बेबी, हाय। रवि, एक बात का जवाब दोगी? पूछो। मुझसे शादी करोगी? शादी? विल यू मैरी मी? आर यू जोकिंग? नो, आई एम सीरियस। रवि, आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू। अगर तुम्हें चाहिए वी कैन लिव टुगेदर। शीना, इंडियन मेंटालिटी छोड़ो रवि। क्या हुआ? शीना ने ना कर दी। शीना, जिसके नाम में ही ना हो वो हाँ कैसे बोल सकती है? ये वही पॉप स्टार है ना? मैंने ही उसे स्टार बनाया था। तो तू उसका गॉडफादर हुआ? तेरी बेटी लगती है यार, तू उससे शादी कैसे कर सकता है? सॉरी। अच्छा चल, शीना नहीं तो टीना से ही फोन करना यार, कर। चल चल बात कर। स्वीट लड़की है टीना, स्वीटी। लॉन्ग टाइम। हाय रवि, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आहा, या ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू मैरी यू। हां, यू मीन इट? बट आर यू ओके विद माय ऑफर? मैरी मी, गेट टू फ्री। व्हाट? यहाँ एक नहीं संभाली जाती और तीन तीन। नाना, कैसे कैसे लोग होते हैं यार। हाय अलाना, इट्स बबल्स। हाय रवि, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ अलाना, हम एक दूसरे को समझते हैं, ठीक से जानते हैं, इसलिए मैं तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ। यस रवि, टेल मी। विल यू मैरी मी? आई वुड लव टू, लेकिन। लेकिन क्या? तुमने बहुत देर कर दी। आई एम नॉट ओनली मैरिड, आई एम आल्सो प्रेग्नेंट। ओके बाय। रवि, क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई यार, शी इज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? इडियट, इतना भी ध्यान नहीं रख सकता था यार। उसकी शादी हो गई है, इट्स नॉट माइन। तो फिर गलती क्या हुई? अरे पूछने में देर कर दी यार। ओहो अलाना, अरे इसमें भी ना है, कोई हाँ वाली को फोन करना यार। Ravi, I'm terribly sorry. I just got engaged. Congratulations. Yeah, thanks. But I got a rush. See you around. Bye. Bye. कोई प्रेग्नेंट, कोई एंगेज्ड। तेरी टाइमिंग ही गलत है। कोई बात नहीं, काश मैं 2 महीने पहले आया होता। चला जा। सो व्हाट डू यू से? यू नो व्हाट रवि, आई रियली स्वीट। हाँ व्हाट? नो आई रियली। अच्छी थी क्या? बोली पूछ भी मत। मेरी मान, अरेंज मैरिज कर ले। आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिजेस यार। एक्चुअली आई तो डोंट बिलीव इन एनी मैरिज। तू चिंता मत कर यार, ऊपर वाले पर भरोसा रख, मैं हूं ना। चल चल, मुंह मत लटका, चल आजा। वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड। और मुझे लगा तुझे एक्सरसाइज की आदत है। है ना? ये गोज योर बिल। कभी सब्जी लेने भागो, कभी बंटी को स्कूल पहुंचाने, दिन भर भागते रहो भागते रहो भागते रहो।
फिर अपने आप से बातें कर रहे हैं? शादी के बाद आदमी सिर्फ अपने आप से ही बातें करता है। Hey, what's up? अच्छा आप चले, तारा से भी मिलना है। हाँ चल। Excuse me, sir. Yeah. Thank you so much. But your tip बहुत ज़्यादा है. Can't accept it. It's okay. चलिए. Sorry. I love this weather. I love the city. And I love you guys. Okay. Chal. Arey, chal. Come. Hey. Arey, ye to Delhi ke Connaught Place jaisa dikhta hai yaar. Listen. It was the spring of 2004. I met this girl, wish I met her before. Loved her eyes, I loved her style. My heart was singing every time she smiled. Musu musu hasi, dil na lai lai. Musu musu hasi, dil. Musu musu hasi, dil na lai lai. Musu musu hasi, dil. Dil maya lai mari dil. Dil ri de le cheri dil. Dil maya lai mari dil. Dil ri de le cheri dil. Musu musu hasi, dil na lai lai. Musu musu hasi dil. Musu musu hasi. Dil na lai lai, musu musu hasi dil. Tu-du-du-du, tu-du-du-du. Tu-tu-tu-tu-tu-du-du-du. Tu-du-du-du, tu-du-du-du. Tu-tu-tu-tu-tu-du-du-du. The days feel long and the night feels cold. I'm not the man I used to be anymore. Up until the other day when she looked me in the eye, I missed a beat. And to my surprise, my heart was singing. Tero yovan ko pagma, phule ko phul jo sama. Timi hi matra ne ho, timi hi matra ne ho. Tero yovan ko pagma, phule ko phul jo sama. Timi hi matra ne ho, timi hi matra ne ho. Batasine koi ohili jarne ho. Batasine koi ohili jarne ho. Musu musu hasi dil na lai lai. Musu musu hasi dil. Musu musu hasi dil na lai lai. Musu musu hasi dil. Tio maya lai mari dil. Tiori de le cheri deo, tio maya le mari deo. Tiori de le cheri deo, musu musu hasi deo na lai lai. Musu musu hasi deo, musu musu hasi deo na lai lai. Musu musu hasi deo, musu musu hasi deo. So, hi. Sorry. You guys, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ? तुमने इतनी देर लगा दी आने में. 5 मिनट में 5 बार कपड़े बदल चुका है ये. पता नहीं किसको इंप्रेस करना चाहिए. हेलो एक्सक्यूज मी, जब हर चीज सूट करती हो ना तो डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. That's true. अच्छा ये बताओ तुम्हारे मिशन का क्या हो रहा है? हाँ मिशन इम्पॉसिबल. कभी 1 महीना लेट, कभी 9 महीने लेट. सो प्लीज यार, एक्चुअली तारा मैं आई वाज एक्चुअली ये हमेशा लेट होता है. आज भी इसी की वजह से लेट हुआ है. चुप यार, चलना. नहीं मैं सच कह रहा हूँ. व्हाट आई वाज सेइंग वाज लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग मिस मेनिका. Oh,
चुराता है वो कौन है, वो कौन है, सपनों में आके चुरा जाए दिल, नींद जो उड़ाता है वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। परफेक्ट है, 10/10 10/10 नहीं, 10 pound 10 pound वाली हिंदुस्तानी वेट्रेस है ये। वही वेट्रेस विद एथिक्स, लुक्स, टैलेंट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैंने कभी देखा नहीं उसका चेहरा, मगर फिर भी दिल को उसका एहसास है। मैंने कभी देखा नहीं उसका चेहरा, मगर फिर भी दिल को उसका एहसास है। सपनों में आके चुरा जाए दिल, नींदे जो उड़ाता है वो कौन है, दुनिया पे इस धूप पे मिलके आज एक अजनबी से कह रहा है दिल मेरा किसी से, जान लो मुझे सपनों अब कहाँ। मैंने कभी देखा नहीं उसका चेहरा, मगर फिर भी दिल को उसका एहसास है। मैंने कभी देखा नहीं उसका चेहरा, मगर फिर भी दिल को उसका एहसास है। बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन लेकिन क्या? ये सिंगर है, इसे सुनो और भूल जाओ। क्यों भाई? शीना भी सिंगर थी, है ना? एक मिनट, एक मिनट। तुम ये कहना चाहते हो कि शीना इज अ सिंगर एंड मेनका इज अ सिंगर, सो मेनका इक्वल्स शीना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सो ये जिंदगी है, मैथमेटिक्स नहीं। और जिंदगी में कभी कभी दिल से सोचना चाहिए। लेकिन जिंदगी के मैथमेटिक्स में हमेशा दिमाग से सोचना चाहिए। दिल हो या दिमाग, मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूं, मेनका। मेनका, मेनका। वो कौन है? हाँ।
मैंने कहा एक बात बता, जब किसी को प्यार होता है ना, तो वो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रोमांटिक सॉन्ग सुनता है। तू अकेला ऐसा एक शख्स है जो प्यार होने से पहले ही ऐसी दर्द भरी गजलें सुन रहा है। डर लगता है यार। क्यों यार? ये शीना, निकी, एना, एना, तारा, वो दोस्त है। हाँ, तारा कहती है कि वो मिलेगी तो पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा यार। ओ, ये सब लड़कियां जब जिंदगी में थी तो एहसास तक नहीं हुआ, आई चले गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मेनका को देखा तो प्रॉब्लम क्या है दोस्त? प्रपोज कर देना उसे। अरे यही तो नहीं होता ना मुझसे। ना बोलती तो? जब भी किसी लड़की को प्रपोज करता हूं तो भाग जाती है। हाँ यार सॉरी, लेकिन आई डोंट वांट टू लूज मेनका। यू वोंट लूज मेनका। देख, जैसे मौसम बदलते ही हम कपड़े भी बदलते ना, वैसे लड़की देख के डायलॉग बोले जाते हैं। बॉस, हर लड़की को पटाने का एक फॉर्मूला होता है दोस्त, समझा? और ये तेरे से अच्छा कौन जानता है लेकिन देख, अब तुझे जो करना है, ये काम तू मेरे लिए कर सकता है। हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। इट्स अ डन थिंग। नो नो नो, तू मेरे लिए करेगा। अरे नहीं यार, यू विल डू इट फॉर मी। अरे yes, नहीं यार, मेरी बात सुनेगा? ऑफ कोर्स यार। तू कुछ दिनों के लिए अपना दिमाग किसी अपने दुश्मन को किराए पर दे दे, उसका ब्रेकअप हो जाएगा। ओके डन, लेकिन मेरा काम करेगा ना? ओके बाबा, करूंगा। गाना बदल दूं? नहीं, एक और बार। सर, आपको पता है मैं इतनी ज्यादा टिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फिर भी आप रख लीजिए। वो कौन है? आप बड़ी बदतमीज इंसान है। इस बदतमीज को सोमदत्ता कहते हैं। हाय, मेनका चौधरी, उम्र 21 साल, स्टूडेंट ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, हिंदी में गाना गाना पसंद करती हैं और मिस्टर गिरिजा के इस कैफेटेरिया में पार्ट टाइम नौकरी करती हैं, जो आपके चाचा के दोस्त भी हैं और इस अनजान शहर में आपके गार्डियन भी। सहेली का नाम सारिका, जो दिल की थोड़ी भोली है, किसी भी अनजान आदमी को आपका पता दे देती है वैसे अच्छी सहेली है, काफ़ी समझदार है। आपको याद होगा मेरा दोस्त रवि, जिसने आपको 10 पाउंड टिप देने की गलती की थी? हाँ, बैठिए ना, बैठिए। वही काला सा, नाटा सा, बाल खिचड़ी जैसे। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं आपके दोस्त के बारे में? वो तो मैं जानता हूँ आप क्या बोलेंगी। हर लड़की रवि को देख कर ऐसा ही सोचती है, लेकिन रवि कपूर तो इंसान में सिर्फ हुनर देखते हैं, और इसीलिए ये गरीब आपके सामने अपनी झोली फैला कर खड़ा है। प्लीज मान जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं समझाता हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है। फ्यूल म्यूजिक कंपनी के मालिक का नाम रवि कपूर है, जिन्होंने आपका गाना कल रात को सुन लिया, उन्हें लगा इस आवाज में दम तो है। मैंने तो कहा रवि और भी बहुत मिल जाएंगी, वो तो खुद यहाँ आने वाले थे, लेकिन मैंने फिर कहा कि लड़की मना कर दे तो इंसल्ट हो जाती है। अब देखिए आजकल शराफत का जमाना तो है नहीं, सच्चे दिल से आप किसी की तारीफ कर दें तो बस वो तो तेवर ही बदल लेते हैं ना। फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि रवि देख यार, तेरे पास इतनी लड़कियां आती हैं, तरसती हैं कि मिस्टर रवि कपूर उनका एक बार गाना सुन ले, ताकि वो भी सब शीना की तरह एक बड़ी स्टार बन सके। शीना? फिर मैंने कहा कि अब मैं जाता हूँ, मेरा क्या है? अगर मेनका जी ने ऑडिशन के लिए मना भी कर दिया तो मैं मुंह लटका कर वापस चला जाऊंगा। वैसे आप देख लीजिए, हाँ परसों तक का टाइम है आपके पास। वैसे तो मैंने रवि को कहा था कि बहुत मिल जाएंगी, अब आप देख लीजिए।
Thank you. Anything else, sir? No, thanks. तड़प बेटा तड़प, मैं इतनी जल्दी नहीं बताने वाला। ए सोम, बहुत हो गया, बता मेनका ने क्या बोला? सबर कर यार। क्या सबर कर? 15 मिनट से सबर कर बोल रहा है तू। कितनी गर्मी है शहर में, कितना डिग्री होगा? ए सोम बस हाँ, बस प्लीज यार भूल जाओ सर। भूल जाऊं? मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन इसीलिए तो इतनी देर से कुछ बता नहीं रहा यार। फॉरगेट इट। ए सोम, सीधे सीधे बोलना यार। दिन में कैफेटेरिया और रात को होटलों में गाना गा के बच्चे की परवरिश कर रही है बेचारी। बच्चा? हाँ, इस जुलाई को पूरे 4 साल का हो जाएगा बेचारी। और वो कितने साल की होगी? 18, ओनली 18। ननी जान है बेचारी। 18 और शादीशुदा? नहीं, काश होती। बेचारी को बच्चे के बाप का नाम तक नहीं पता। रियली सैड। लेकिन गाना बहुत अच्छा गाती है। अक्सर जवानी में, सॉरी आई मीन बचपन में ऐसी गलतियां तो सबसे हो ही जाती हैं। फिर मैंने कहा बेचारी को क्यों दोष दें? बस तुझे बहुत पसंद करती है। अबे खुद बच्ची का बच्चा कहाँ से होगा? अबे तू? हेलो, हाँ तारा। तारा, सर्दी हो गई? ओके, मैं आता हूँ। तारा की तबीयत खराब है, मैं जाता हूँ। ए, तू रुक, देख ऑफिस में बहुत काम होगा, तू यहाँ संभाल, मैं वहां संभालूंगा। पक्का? पक्का यार। आखिर दोस्त कब काम आएगा? थैंक्स, सी यू। दोस्त हो तो ऐसा। Excuse me, do you speak Hindi? Huh. Good. Where is 47 Walking Street? Oh. Tara ka ghar. Yeah. That one. Yep, that one. Thank you. Bloody tourist. हाय सोम। हाँ वो रवि ने भेजा है, सरदार भी कितने कमाल के लोग होते हैं ना। एक्सक्यूज मी। हाँ किचन ऊपर है? हाँ ऊपर है। ओके, आज साउथ हॉल को देखकर तो मुझे दिल्ली का करोलबाग याद आ गया। कमाल की जगह है, वही पापड़ी चाट, भेलपूरी, आलू टिक्की, काठी रोल, काठी कबाब, क्या क्या नहीं मिलता वहाँ पर। सोम ये क्या है? चुप, शाबाश। सोम इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है, तुम जरा। मेरी दादी माँ कहा करती थी कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ना हो बेटा तो वेल्थ कमाने का टाइम कैसे मिलेगा। पर... ठीक कहती थी ना, बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए। सोम देखो। चुप। अरे साउथ हॉल में अंग्रेजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टूरिस्ट वो हो। तारा पता हैरो मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदा की डिग्री मिलती है, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि इतना बुखार, इतना ज्यादा बुखार। अच्छा हुआ मैं आ गया। हाँ तो मेरी दादी कहा करती थी कि बेटा देसी नुस्खों का इलाज करवाया करो,
ये मोए एलोपैथी वाले न जाने क्या करेंगे सोम। फिर मैंने बोला दादी अब मुझे सारे टोटके सिखा दो, तो उन्होंने कहा थोड़ा टमाटर का जूस लो, थोड़ा करेले का, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा लहसुन, थोड़ी इलायची, थोड़ा अदरक, और अब इन सबको मिला दो। और ये हो गया दादी माँ का नुस्खा तैयार। चलो जल्दी से पी जाओ। अरे पी जाओ, चलो चलो, शाबाश, गुड गर्ल, आराम से पी जाओ और 10 मिनट दो, सिर्फ 10 मिनट, शाबाश। पता है मेरी मम्मी को बेटी चाहिए थी, पैदा मैं हो गया, तब से ही घर को साफ सुथरा रखने की आदत सी है। गीतू तो मुझसे बहुत खुश रहती है, घर के सारे कपड़े जो मैं धोता हूँ, मेरा मतलब दो दो वॉशिंग मशीन तो हैं, लेकिन हाथ की सफाई तो हाथ की सफाई होती है ना, यू नो व्हाट आई मीन। और वैसे भी अपना काम करने में क्या शर्म, ठीक कहा ना मैंने। सोम रहने दो। अरे मैं देखा 10 मिनट के अंदर अंदर दादी माँ के नुस्खे ने ठीक कर दिया तुम्हें। थैंक यू सोम, यहाँ अपने भी इतना नहीं करते, अपना ही समझो ना। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम आराम करना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कोई मिल गया, कोई मिल गया, यस। हाँ गीतू नहीं, सोम का फोन नहीं आया था, मैंने कोशिश की लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं। तुम्हें कई दिनों से फोन नहीं किया? अच्छा, क्या बुरा सपना देखा तुमने? गीतू तुम चिंता मत करो, वो काम में बिजी होगा ना, उसके दोस्त रवि का भी तो नंबर नहीं है, वरना मैं उसे ही फोन करके पता करता। गीतू डोंट वरी, ओके आई विल फाइंड हिम, ओके गुड नाइट। पता नहीं कहां चला गया ये सोम। Excuse me? Yes? Mr. Ravi Kapoor? He's in a meeting. How long would it take? It will be over in 15 minutes. Thank you. Strategy, my boy, strategy. तुझे प्यार के इस बॉल को मैंने कहा कि इस दिल के गोल के अंदर डालना है, और ये तू कैसे डालेगा? इस गोल तक पहुंचने के लिए तुझे कुछ चीजें बदलनी होंगी, अपने आप को बदलना होगा। तेरी जिंदगी की टीम ऑलरेडी 2-0 से पीछे है, शीना और एना। एना नहीं यार, अनुपुल। क्यों पीछे है? क्योंकि आज तक तू गलत साथियों के साथ खेल रहा था, कब समझेगा? लड़की मिली, प्यार हुआ, प्यार का इकरार किया और फिर सेल्फ गोल कर डाला, हाउ ब्रिलियंट। डफन डेफन कोल्ड रूथलेस। आज से ये तेरे साथी होंगे, लड़कियों को दिखाओ कि रवि कपूर अपने काम के अलावा और किसी भी चीज की कदर नहीं करता है। आंख उठा के बात मत कर उनसे, बात कर तो सिर्फ काम की। इंट्रीग, जिज्ञासा, इंसानी फितरत है माय बॉय, इंसानी फितरत। अनजाना हमेशा फैसिनेट करता है, और एक बार जब लड़की को तुझे जानने की इच्छा हुई तो पतंग की डोर फिर धीरे धीरे छोड़, और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ मैंने कहा को इम्प्रेस कर, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने से पहले मैंने कहा को प्रपोज कर, फॉर अ चेंज लड़कियों को तू इस्तेमाल करेगा, वरना शीना की तरह मैंने कहा भी स्टार बनने के बाद तुझे पता है ना कहाँ लात मारेगी। कुछ भी यार, मैंने कहा बाहर वेट कर। माय गॉड, क्या बोल रहा है तू? तू झूठ बोल रहा है, आके खुद ही देख ले। ए नहीं यार, चल ना। ओ गॉड, अब क्या करूं यार? तू चिंता मत कर, एक बात ध्यान से सुन, ठीक है? ये प्यार की बॉल लेकर चला रवि, रवि ने बॉल को पास किया गोल, गोल ने कंपैशन को चकमा देकर बॉल पास की रूथलेस को, और रूथलेस ने अंडरस्टैंडिंग की टांगों के बीच में से बॉल निकालकर वापस पास की डबनेर को, और डबनेर ने बॉल लेकर यहां से घुमाकर डॉच करते सबको टैकल करते हुए वापस रवि को बॉल पास की। रवि के पास बॉल है, रवि क्या करे? रवि सबको डॉच करता हुआ, सारी इमोशंस को डॉच करता हुआ लेकर पहुंचा है बिल्कुल गोल के सामने,
रवि बॉल को लेकर गोल के सामने अकेला खड़ा हुआ है और सब उसे देख रहे हैं। सबकी सांस रुकी हुई है और रवि ने यह बॉल को मारा और बॉल तेज रफ्तार से गोल की तरफ जा रही है। सबकी सांसें रुकी हुई हैं, सब देख रहे हैं और सब घबराए हुए हैं कि बॉल जा रही है कि नहीं जा रही है। और हम देखते हैं कि रवि की बॉल मैंने कहा कि दिल के गोल में जा चुकी है। रवि की प्यार की टीम जीत चुकी है। सुपर्ब। लेकिन सोम आप क्या करो यार, अभी जो बताया वही करना। वो भूल गया, भूल गया। क्या? इसको पहन लेना, जो मैं बोलूं वही रिपीट करना। ओके गॉड ब्लेस। ये कोई फिल्म में देखा है। हाय, यू रेडी? गुड। रवि को पूरा अपने कैबिन में, तुम 2 मिनट बाद अंदर चली जाना। ओके ओके गुड। एक मिनट, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। क्या सचमुच रवि कपूर मुझसे मिलेंगे? सचमुच मेरा ऑडिशन भी होगा? और क्या सचमुच वो मुझे लॉन्च भी करेंगे? क्या वो सचमुच तुम्हारे हर सवाल का जवाब यस हो सकता है, अगर तुम रवि को नो नहीं कहो। ओके। व्हाटएवर हैपेंस डू नॉट रिफ्यूज हिम। Whatever he says, don't say no. No. Never say no. No. Yeah. याद रहे, तुम्हारे सपनों के खजाने की चाबी okay. रवि के पास है। Good. उस चाबी तक मैं पहुंचूंगी कैसे? जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करती जाओ। देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगी। Okay. Good luck. Cheers. Okay. हेलो हेलो। हाँ पीछे। हाँ बोल। मैं पीछे हूँ, पीछे हाँ। पीछे आई। अच्छा सुन, जैसे मैं बोलूँ वैसे करते रहना। ओके हाँ ओके। आई 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 जा 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 बैठ बैठ। ओ एक्सक्यूज मी सर, कैन आई कम इन? या कम इन। हेलो। सिट डाउन, सिट डाउन। एक्चुअली ये नहीं बोलना था। एक्चुअली ये नहीं बोलना था जी। अभी मुझे रिपीट क्यों कर रहा है? ओके आपने कुछ कहा सर? एक्चुअली देखिए, लुक्स और टैलेंट तो हर किसी के पास होता है, लेकिन व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कैरेक्टर। यस सर। यू सी वी हैव टू शेयर अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। हाँ, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। वर्किंग इडियट। वर्किंग रिलेशनशिप। या हेलो यस सर। हेलो, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं? बॉयफ्रेंड? Hello? Stop, listen carefully. Stop, listen carefully. I'm listening, sir. I'm listening. वैसे आपकी पर्सनल लाइफ में हमारी कंपनी को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक मकाम पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप फोकस्ड रहें। हेलो हेलो रवि 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 कुछ बोल बेटा। Accomplishment and success often is a result of perseverance and commitment rather than skill and talent. Yes, sir. Hmm? You're right. Ravi! Ravi, meri baat sun! Abhi marega! Baat bharose ki hai. Yes, sir. Hame aapke talent par bharosa hona chahiye aur aapko hamari company par aur hame ek dusre par. एक बार आप अपने आप को हमारे कंपनी को सरेंडर कर दें और फिर देखिए। Am I right? Yes, sir. Yes. आप हर बात में यस क्यों बोलती हैं? क्योंकि never say no. I mean, जब सामने वाला सही हो, सामने वाले की हर बात सही हो, तो no कहने का सवाल ही नहीं आता है ना सर। Am I right, sir? Yes. Am I selected? Yes. No. Thank you. No या yes. No या yes का जवाब आपको सेक्रेटरी के थ्रू मिल जाएगा, मिस मेनका। ये कहना चाहते थे ना आप? या और ये मीटिंग काफी देर तक चली वैसे। दूसरी मीटिंग के लिए वी हैव टू गो।
तो मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ? चलिए चलिए, लवली, प्लीज लेट्स लीव। यस प्लीज। क्या करता यार? यस यस, कमिंग कमिंग। डोंट बी नॉटी। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे लगता है मिस्टर रवि कपूर आदमी नहीं, कंप्यूटर है। जितना फीड कर दिया बस उतना ही बोलना है। स्माइल मत करना, गलती से भी हंसना मत मिस्टर कपूर। अच्छी खासी लड़की सामने बैठी है मगर देखना मत। एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखता। उप्स, सॉरी, नहीं देखते। Miss Menka, you're a product today, and we need to package this product properly so that it sells. T52 reporting, sir. Yes, sir. Okay, sir. अब मुझे पैकेज, पार्सल, ये जूते का डिब्बा बना दीजिए सर। एक बार, सिर्फ एक बार मुस्कुराइए सर। एक बार मुड़ के देख लीजिए। क्या करें, आप बड़े क्यूट हैं। वो जाने या न जाने कि दो दिलों के मिलने का मौसम आया है। कुछ तो हो रहा है कहीं किसी के दिल में, वो जाने या न जाने कि दो दिलों के मिलने का मौसम आया है। कुछ तो इंतजार था वो है सामने खड़ी। छोटी छोटी सी ये बातें, लंबी लंबी सी ये रातें, वक्त थम गया है अब यही। कुछ तो हो रहा है कहीं किसी के दिल में, वो जाने या न जाने कि दो दिलों के मिलने का मौसम आया। मुझे दिल की है यही सदा, दिल का ऐसा हाल है क्या ख्वाब क्या ख्याल है, खुद इन्हीं को है खबर नहीं। कुछ तो हो रहा है कहीं किसी के दिल में, वो जाने या न जाने कि दो दिलों के मिलने का मौसम आया।
कुछ तो हो रहा है, 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 कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। Move it, children! Hey, you smally, move it, move! Oh yeah, take this! Okay, okay, kick it! Oh, I'll do it, I'll do it! And that's a goal! Yeah! It was a pretty goal! Boss khush lag raha aaj. Love can do wonders. Nahi so? Pyar sardi ke us dhoop ke tukde ki tarah hota hai. Jab tak rehta hai, to dil ko bahut sukoon deta hai. और फिर एक दिन चला जाता है इंसान को उस एहसास के साथ जीने के लिए अकेला छोड़कर। क्या हुआ सोम? कुछ नहीं, अपने बारे में कुछ बताओ ना। नहीं सोम, पहले तुम बताओ बात क्या है। रहने तो तारा, जिंदगी को कोरेदने से जंग लगा दिल ही मिलता है और कुछ नहीं। कम ऑन सोम, यू कैन टेल मी। सेरेब्रल एमनीसिया। क्या? कभी कचड़े वाली को मां समझकर नमस्ते किया है? क्यों? बहुत बारिश थी उस दिन। किस दिन सोम? 31 अगस्त। सनी तब 1 साल का था। सनी मेरा छोटा वाला बेटा। हम सब रात को खाना खाकर घर लौट रहे थे मेरी मर्सिडीज में, कि अचानक एक मोड़ पे बिल्ली का बच्चा गाड़ी के आगे आ गया। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, सड़क भीगी हुई थी कि गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। और गीतू का सर डैशबोर्ड पर जाकर टकरा गया। तब से चलती फिरती लाश बनकर जी रही है कि तू कॉमेडी फिल्म देखकर रोती है और हॉरर फिल्म देखकर हंसती है। कभी कभी तो पेड़ समझकर कंप्यूटर में पानी डाल देती है और सनी को टीवी समझकर कपड़ा लेकर साफ करने लगती है। कि तू ऐसे जी रहा हूं पिछले 5 सालों से, दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढता रहता हूं। छोटा पैकेट, आउच। रवि को पता चलेगा इस बारे में तो उसे बहुत बुरा लगेगा, है ना तारा? मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा क्या है, मैं तो जी लूंगा। ए सोम, आजा। जाओ सोम, खुशियां ढूंढने से ही मिलती हैं। सब कुछ भूलकर कुछ दिन अपनों के साथ बिताओगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। गो। Cold tonight, ain't it?
Everything all right, mate? Lost your marbles, did you? Hi. Ah. Shahrukh boy. Hi. So? Harrods में शॉपिंग कर रहा था सोचा तुम्हारे लिए ये ले लूँ थैंक यू होप यू लाइक इट यू आर वेलकम बस यही देने आया था वो रवि भी आज लेट आएगा ना मैंने कहा कि लॉन्च की प्रिपरेशन तो चल रही हैं अच्छा मैं चलता हूँ अंदर आ जाओ सो चाय कॉफी पीकर चले जाओ नहीं वो इतनी रात को अच्छा नहीं लगता ना आई मीन अपनी सभ्यता तो नहीं मैं भूल सकता ना आई मीन लोग क्या कहेंगे आ जाओ थैंक यू कम आओ ना इसकी क्या जरूरत थी थैंक यू बैठो बैठो कॉफी पियोगे हाँ दिल के सच्चे इंसानों को लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए कितना ख्याल रखते हो तुम लोगों का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रवि के अलावा मुझे कोई ऐसा मिलेगा इट्स हॉट जो मेरी इतनी केयर करेगा ब्यूटीफुल लेकिन कुछ ढूंढ रहे हैं ये रंग खुशियां रियली इन चार दीवारों से बाहर निकलो कुछ नए रंगों को ढूंढो एक नया एहसास नई खुशी आई थिंक यू नीड अ चेंज यू थिंक आई थिंक मेबी मेबी हेलो सारा तू कहाँ हो तारा मैं आ रहा हूँ तारा गीतू हेलो गीतू हाय हाय जी मैं तो बर्बाद हो गई तबाह हो गई जी मेरा तो सब कुछ लूट गया मैं कहीं की भी नहीं रही जी मुझे तो उसे लंदन भेजना ही नहीं चाहिए था जी सच्ची कह रही हूँ जी मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का ही ख्याल कर लेता जी मैं क्या करूं जी लेकिन क्या हुआ जी गीतू ठीक से बताओ क्या हुआ वो लंदन में ना किसी चुड़ैल ने उनको फांस लिया चुड़ैल मैंने अभी अभी सोम को फोन किया था वो उसका नाम ले रहा था ओहो क्या नाम लिया तारा क्या तारा अच्छा गीतू क्या तुम जानती हो तुम्हारा सोम दिखने में कैसा है सुंदर है अच्छा खासा बीबा है मैं कभी मिला नहीं ना उससे अच्छा एक काम करो तुम उसकी एक फोटो ईमेल कर सकती हो मुझे उसकी क्या उसके पूरे परिवार की फोटो कर दी ईमेल मैंने कर चुकी हो वेरी गुड अंकल Bloody Shahrukh is Som. Bichari Gitu.
तुम कहो तो सूरज से कहकर सुबह कर दूं। तुम कहो तो सूरज से कहकर सुबह कर दूं। तुम कहो तो चांद से करके बात कर दूं रात। तुम कहो तो आसमां का आज तारों से भर दूं। तुम कहो तो आज कर दूं मैं दिल की बात। तुम कहो तो खुशबू से मैं समा भर दूं। तुम कहो तो उड़ने लगूं मैं हवा के साथ। तुम कहो तो इस जहां को आज बाहों में भर लूं। तुम कहो तो आज सुन लूं मैं दिल की बात। तुम कहो तो सूरज से कहकर सुबह कर दूं। यूं ही सनम खिलता रहे, यूं ही मुस्कुराता रहे। हो तेरे लिए समय यूं ही रोशन रहे, जहां यूं ही गाता रहे। हम ही गुनगुना ले जहां के संग, रंग ले फूलों से लेके रंग, मुस्कुरा ले हम इस पल के साथ। तुम कहो तो सूरज से कहकर सुबह कर दूं। तुम कहो तो चांद से करके बात कर दूं रात। तुम कहो तो आसमां को आज तारों से भर दूं। तुम कहो तो आज कर दूं मैं दिल की बात। जो कहो तुम्हारी हर एक आरज़ू को अपनी मंजिल मान लूं। ओ तुम जो कहो तुम्हारे दिल की चाहतों को अपना मकसद जान लूं। ऐसा है तो और क्या चाहिए सनम, तुम जो मिल गए हैं तो कोई हम, बस खुशी है हर दम अपने साथ। तुम कहो तो सूरज से कहकर सुबह कर दूं। तुम कहो तो चांद से करके बात कर दूं रात। तुम कहो तो आसमां को आज तारों से भर दूं। तुम कहो तो आज कर दूं मैं दिल की बात। तुम कहो तो सूरज से कहकर सुबह कर दूं। तुम कहो तो खुशबू से मैं समा भर दूं। तुम कहो तो सूरज से कहकर सुबह कर दूं। हाँ, तुम कहो तो खुशबू से मैं समा भर दूं। गीतू मुझे तो सिचुएशन बहुत फनी लग रही है। मैं तो पागल हूँ, मुझे तो सेरेब्रल एम्नीशिया। हाँ भाई, मेरा तो दिमाग खराब है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। राखी वाले दिन तुम्हारे हाथ पे मैंने राखी बांधी थी। नहीं गीतू, हाथ मत लगाना मुझे। पड़ोसी के बच्चे को बंटी से मिलके दूध पिला दिया था। कचरे वाली को तुम्हारी माँ समझ के नमस्ते करती थी। फिटे मुँह तुम्हारे, मेरे सामने बोलो ना, अब बोलो ना, बोला बोलो। इतनी पागल थी तो सनी और बंटी कैसे पैदा हो गए? हाय रब्बा, फिटे मुँह। कहीं तुमने ये तो नहीं कह दिया कि बंटी और सनी को हमने गोद लिया था? गीतू ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तारा तुम ही बताओ ना। मैं बताऊं? हाँ। मैं बताती हूँ। चलो चलो गीतू। लड्डू छोड़। गीतू गीतू तारा। जीसस।
मुया मर जाना। सोम को माफ कर दो ना गीतू। घिन आती है मेरे को उसके नाम से। 7 साल साथ रहने के बाद कोई ऐसा करता है, इतना बड़ा धोखा। शादी से पहले के किस्से सुने थे मैंने उसके, लेकिन मन कहता था कि सोम अब सुधर गया। सच्ची कह रही हूँ, इन 7 सालों में सोम कभी भटका नहीं, मैंने उसे भटकने भी नहीं दिया। पूरा कंट्रोल में रखा था, बस एक बार छुट्टी दी, कर दी सबसे बड़ी गलती। बेटे मो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। न जाने हर इंडियन औरत अपने हस्बैंड को भगवान का दर्जा क्यों दे देती है। हस्बैंड आफ्टर ऑल एक मामूली इंसान ही तो है, और ये सच्चाई हर बीवी को कबूल कर लेनी चाहिए। औरत को देखने का नजरिया हर मर्द का एक जैसा होता है, एंड सोम इज नो एक्सेप्शन। और अगर कोई मर्द किसी दूसरी औरत को नहीं देखता है तो फिर वो दिखावा कर रहा है, या फिर उसकी बीवी उसे ये दिखावा करने पर मजबूर कर रही है। आप सही कह रहे हो, पर मैं उसे कैसे माफ कर दूं? कीतू, बात को इतना मत खींचना कि बात बिगड़ जाए। तुम्हारी बात बिगड़ सकती थी, लेकिन बिगड़ी नहीं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। Go get some rest, please. क्या हुआ? वक्त नहीं बीतता, इंसान बीतता है। A certain part of you dies every day. 7 years, 7 साल। सच में जिंदगी कुछ थम सी गई थी। इंदौर की गर्मी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, करते करते थक गया था। सनी को बंटी बुलाने लग गया, और बंटी को, क्या नाम है उस पागल कुत्ते का, मेरी जराबे फाड़ देता, बस्टर। और गीतू को कुछ बोलो तो बस ऑफिस में, घर में, दिन में, रात को बस अपने कॉलेज के दिन याद करता था। रात को अंजलि को घर छोड़ो और फिर सपना से फोन पर बातें करो, और सुबह शिखा के साथ जॉगिंग पर जाओ। याद है ना? और फिर अपने ही पैर पर खुद को लाड़ी मार लो, शादी कर लो। तुझसे मिला तो वापस जीने का मन कर गया, और कुछ नहीं। न तारा को दुख पहुंचाने का मन था, और न ही तू को। चंद खुशियां ढूंढ रहा था अपने लिए, बस। सनी की बहुत याद आ रही है। ए, टेंशन मत ले यार, आई नो तू अच्छा आदमी है, रिलैक्स। सब खत्म हो गया ना मेरे दोस्त? कम ऑन, सब खत्म हो गया। चेहरा चेहरा, कम ऑन, सिपी। It'll be okay.
बात करना चाहोगी कि रहने दे? रहने देते। ओके। हे, नाइस। पता है मुझे दिन रात एक ही खौफ सताता है। क्या? नहीं, उसके बारे में सोच के ही मुझे बहुत डर लगता है। What? No, it's really serious. रवि, बात क्या है? मुझे लगता है, नहीं लगता नहीं, बात सेटल्ड है। We're losers, yeah. Of course not. तुम्हारी लाइफ में मेनका है और वो एक बहुत अच्छी लड़की है। ऐ तारा, वो सोम वाला चैप्टर, I'm sorry, I didn't see it coming. भूल जाओ। जरूरी ये है कि अब हमें सोम और गीतू को मिलवाना है। That's what's important. जल्दी करो, I'm getting late. अभी लाया। Excuse me, it's half an hour. How long will it take? Not very much. Not please, please, बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर में आ जाता है। कितनी देर हो गई? Yes, और जो प्लेस किए हुए हैं देखिए ना। Yeah, hold on, hold on. Relax. Come. Can I get a hamburger with cheese and? Not. कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही अब तक जो चुराई थी वो सारी वाइन्स रिप्लेस कर देना। क्या रिप्लेस करना? वाइन रिप्लेस करना? ये सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं भी बेटा मजाक ही कर रहा था। अब सुनो बेटे, ये बड़े लोगों की बातें बड़े लोग ही जाने। अपना हूं इसलिए बता रहा हूं, ये बड़े लोगों के चेहरे पे क्या नकाब होता है, उनके दिल में क्या बातें होती हैं, इसका जानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेटे अपना ध्यान रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम अभी आए। अच्छा। Excuse us। चेती आना। मर गया सोम, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाय। तो? गीतू बैठो। Please, please बैठो। Hello. I hope I'm not too late. No. Oh, my favorite. पहले ही मीटिंग में मुझे आपकी पसंद समझ आ गई थी। खोलिए ना। Go ahead. Wow. लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तारा, चार साल से मैंने तुम्हें आते जाते देखा है। तुम्हारी आधी से ज्यादा पेंटिंग्स तुम्हें मेरे घर में मिलेंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। बस पहली बार तुम्हें जानने का मौका मिला है मुझे, और वो भी इस माहौल में। जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं शायद वो तुम भी नहीं जानती। मेरे को पता होता ना तुमने लंदन आके ये हरकतें करनी है, नहीं मैं तुमको कभी लंदन ना भेजती। अब ये बात तो सामने आ गई, और भी पता नहीं कितनी। ये तुम मेरा यकीन करो, शादी के बाद ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड, पहली माशूका है, या फिर पहली गीतू। क्या गीतू? मेरे कहने का मतलब है शादी के बाद ये मेरी पहली गलती थी। बिलीव मी, पहली गलती का यकीन तो दिला दोगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें गलती करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन आखिरी गलती है, इसकी क्या गारंटी है? एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लुक्स और टैलेंट का जो कॉम्बिनेशन आप में है वो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? श्योर। एक्चुअली आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था ना, तो फिर हम ऑफिस की बजाय यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों मिल रहे हैं? कुछ बातें
ऑफिस में नहीं हो सकती, और तुम्हारे लॉन्च के प्रेपरेशंस भी हो चुके हैं। सिंगर तो तुम हो ही, बहुत जल्द स्टार भी बन जाओगी। इट्स ऑल थैंक्स टू यू। नो नो, यू डिजर्व इट टोटली। लेकिन अब इसके अलावा तुमसे एक तो और बातें करनी थी। पता नहीं मैं कैसे कहूंगा और तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन कहना तो पड़ेगा, चाहे तुम हाँ कहो या ना कहो। आज तक आपकी हर बात को मैंने यस कहा है, आप जानते हैं क्यों? Because I trust you. Yes, please trust me. दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सच में तुम्हारी मम्मी की कसम। सच में गीतू, please forgive me. लड्डू बदमाश। मेरी टॉफी। तू के ना तिल्ली हो गया। बहुत स्वाद। पता गीतू, इतना बड़ा शहर है लंदन, कम से कम 50-60 लाख की आबादी तो होगी, है ना? उसमें 6-7 लाख मकान भी होंगे। कमाल है ना, तुम्हारे अंकल को भी वही मकान मिला रहने के लिए। वो भी तारा के पड़ोस में। इट्स वेरी फनी। वाह सोम, शायद ही कोई किस्मत वाला होगा तेरे जैसा। मैं वैसा नहीं हूँ जैसे तुम समझ रही हो, मतलब मैं ऐसा हूँ जैसे तुम समझती हो, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ जैसे तुम, यू नो व्हाट आई मीन। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? देखो, तुमने अब तक जो कुछ मेरे बारे में समझा वो सब झूठ था। यारे, वो कॉन्ट्रैक्ट, रिहर्सल्स, सब झूठ था। नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझना, वो सब सच था, ये सब भी सच है। झूठ मतलब I was playing a game. Game? यानी अब तक अपने आप को जो आप दिखा रहे थे, आप वो है ही नहीं? What? Oh, तो अब तक आप मेरे साथ खेल खेल रहे थे? नहीं, मैं ये सब किसी के कहने पे कर रहा था। मिस्टर रवि कपूर, जस्ट बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मेरे लिए एक प्रोफेशनल सिंगर बनना सिर्फ एक सपना था। आपने आकर कहा मेनका, मैं तुम्हारा सपना सच कर दूंगा, मगर सब झूठ था। आप झूठे, आपकी प्रॉमिसेस झूठी, सब झूठा। मैंने कैसे कैसे सपने देखे थे, मगर आप जैसे लोगों को क्या मालूम इमोशंस क्या होते हैं। आप जानते होंगे ऐसी लड़कियों को जो अपना सपना सच करने के लिए इतनी डेस्परेट होती होंगी कि आपके साथ जी मैं जी लूंगी अपने सपने के साथ, कौन जाने आपका सच क्या है। सच कहता हूं तारा, अपने बनाने से बनते हैं। मेनका, मेनका प्लीज मत रो। मेनका, मेरी बात तो सुनो मेनका। मैं तो बस। ये तो मेरी बात तो सुनो मेनका। ओह गॉड। यार मैं अभी कहता हूं, मैंने कहा से अगर तू, सॉरी यार, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुझे बुरा लग रहा है? बुरी तो मेरी लगी है, बहुत बुरी लगी है, एंड थैंक्स टू यू। यार लेकिन लड़कियों के साथ ये फॉर्मूला काम करता है। चुप ही रहेगा क्या, और कुछ बोलना बाकी है? हाँ ना, तू ये सब करवाता ना ये सब होता। लेकिन एक्चुअली मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, इसमें तेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है, मैंने खुद के पैर पे गुलाड़ी मारी है। मैं ही आया था ना तेरे पास एडवाइस लेने, ठहरा जो मेरा लव गुरु। हाँ खुद का काम खुद करता तो अच्छा होता। यार एक थप्पड़ी तो मारा, तू उससे फिर से क्यों नहीं बात करता? और नहीं समझने वाली, क्यों समझेगी वो? शी डजंट अंडरस्टैंड मी, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। हाँ
वैसे अच्छी लड़की है यार, अपना काम खुद करती है, सबको समझती है, सबका ख्याल रखती है और सबके बारे में सोचती है। काश 7 साल पहले मिली होती तारा, कमाल हो गया, इतना बड़ा शहर लंदन। लेकिन नहीं, वर्मा अंकल को तो उसी घर में रहना था। रवि, रवि, ये भी गया। मगर आप जैसे लोगों को क्या मालूम इमोशंस क्या होते हैं? आप जानते होंगे ऐसी लड़कियों को जो अपना सपना सच करने के लिए इतनी डेस्परेट होती होंगी कि आपके साथ ठीक। वैसे अच्छी लड़की है यार, अपना काम खुद करती है, सबको समझती है, सबका ख्याल भी रखती है, कमाल की लड़की है तारा। What a woman. जिंदगी अकेले काटने में नो फन, कोई ना कोई साथी होना चाहिए जो तुम्हारी समझ में आए और जिसे तुम समझ सको, वो साथ, और उस साथी के साथ जितने पल गुजार लिए दैट्स लाइफ। बात करना चाहोगे कि रहने दे? रवि, मेनका को देखा तो लगा कि इस बार सब सही होगा, आई एम सॉरी। चलो शादी कर लेते हैं। अंकल, एक गुड न्यूज है। क्या? रवि और तारा शादी कर रहे हैं। ये गुड न्यूज है? डार्लिंग, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, आज ऑफिस जाके कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करो ना। यस। थैंक यू डार्लिंग। वाइफ? क्या हुआ? सॉरी हनी, शी इज माय सिस्टर, लेट मी एक्सप्लेन। जैसी तुम्हारी मर्जी, वो कह नहीं सका बट ही रियली लव्स यू। मेरी बात मानो तो तुम उसे अभी। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, सब आपकी वजह से हुआ है और अब मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगी। ओ जी अंकल, फिक्र ही ना करो, मैं दुल्हन को तैयार कर रही हूँ। हाँ, चंगी तरह से। क्या, कितने बजे आ जाएंगे?
एक बजे तक तो पक्का आ जाएंगे। हाँ जी ओ अंकल, मिठाई लेके ना एकदम तैयार खड़े रहना वहाँ पे। हाँ जी, और ना लड्डू होना वहाँ पे बड़ा ही जरूरी है। कट्टो काट 10 किलो। हाँ हाँ जी, अच्छा जी। तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना, तो जाकर अपने लड्डू से सुलह कर लो। प्लीज प्लीज। गीतू, I'm really, 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 really very sorry. मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। क्या तुम रह सकती हो? सच्ची बताऊं? हाँ। जिस तरह से चांद से बिछड़ कर चकोरी और थाली से बिछड़ कर कटोरी नहीं रह सकते ना, अपने लड्डू से बिछड़ कर ये टॉफी नहीं रह सकती। ये तो लव यू लड्डू। मी टू। लेकिन ये सब दोबारा नहीं करोगे? कभी नहीं। मुर्गा बनो। ये तो ये लंदन है, घर नहीं, और मैं कोई सीनियर बंटी थोड़ी ना हूँ। हाँ। फिर क्या हुआ, मुर्गा बनो। तारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। सच कहना, जो हो रहा है वो क्या है, दोस्ती या प्यार? दोस्त के लिए प्यार। डोंट प्ले विद वर्ड्स तारा, शब्दों के इस खेल में जिंदगी बिताई नहीं जा सकती। तुम जानती हो मैं जानती हूं कि रवि की जरूरत क्या है। सच तारा, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। रवि। शीना, अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया? शीना, मैं वो हर पल बस तुम्हें ही याद करती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। खाइए खाइए, एक और मर्द जो शहीद हो रहा है। है मोया। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम हम मर्दों का दर्द तो समझेंगे। शादी का लड्डू। अरे लड़की आ गई। वेलकम गीतू। आह, हियर्स द ब्राइड। लवली। और लड़का भी। रवि देख, तेरी इंडियन कल्चर की तमन्ना पूरी होगी। आजा। लड़की तो सगाई पर ही घूंघट तान कर आ गई है। मुंह बिठा कर। ये लो खाओ बेटा। सोचने का वक्त चला गया, जल्दी कर। रुक क्यों गए तारा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कह दो, हमारी अमेरिका को बहुत मिल जाएंगे। होते उठते पाव जी, कम ऑन, गो फॉर इट। हेलो, मी सोम, रवीज फ्रेंड।
रहने देते। मैं सोच रहा था कि अपना बिजनेस थोड़ा और बढ़ाऊं, एक दो म्यूजिक कंपनीज खोल लूं जिसमें मुझे सिंगर्स की जरूरत होगी। Would you be interested? Hello. Nice to meet you. Congratulations. सोम कितने हैं? सुनो सोम कहाँ हैं? लड्डू। गीतू, मैं तो बस इन्हें कह रहा था कि अब इन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। वो क्या है ना कि शादी का लड्डू ना खा के पछताने से अच्छा है खा के पछताओ। क्यों रवि? हाँ हाँ। What are you laughing about? ना बहन जी, सोच लिया है, सोच लिया है यार, एक बीवी हो अच्छी सी हो, करती हो मुझसे प्यार, सोच लिया है यार। तू क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या जानेगा तू? अरे अरे अरे, ये तुझे क्या हो गया? अरे तू क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या जानेगा तू? तड़प तड़प कर याद करेगा मुझको मानेगा तू? मत कर मत कर मत कर ये शादी वादी मत कर। अरे मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़ तू इस चक्कर में मत पढ़। अरे मुझसे पूछ, मुझको है पता के बीवी का बेलन बेलन दुश्मन की तलवार है, हर बात में रोक टोक कलेजे पे वार है। हाय हाय, मार पड़ेगी खा लूंगा, अरे गाली पड़ेगी सह लूंगा, क्या क्या करेगा साले मरेगा। बीवी की आंखों में आंखें मिलाकर मैं कह दूंगा कि सोच लिया है यार, एक तुम ही हो बस तुम ही हो, जिससे है मुझको प्यार, सोच लिया है यार। बात पते की बोल रहा हूँ, बात मेरी सुन ले। लो फिर शुरू हो गया। अरे बात पते की बोल रहा हूँ, बात मेरी सुन ले, खुद खुशी का और तरीका यार मेरे चुन ले। बस खर्चे खर्चे खर्चे, खर्चों के होंगे चर्चे, तुझ पे राज करेंगे तेरी बीवी तेरे बच्चे। मुझसे पूछ, मुझको है पता के बीवी का कंगन तंग 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 तंग। पीठ पे पहाड़ है, एक कुछ भी आ खाली है बैंक अकाउंट, तिजोरी बेकार है। अच्छा, शॉपिंग करेगी भर दूंगा, अरे जेब मैं खाली कर दूंगा, अरे जितना भरेगा कम ही पड़ेगा, बीवी के कदमों में पैसों की बारिश में कर दूंगा। कि सोच लिया है यार, जो वो मांगेगी जो भी चाहेगी, सर आंखों पे सरकार, सोच लिया।